महाविकास अघाड़ी के घटक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात करने के लिए एक समिति बनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एमबीए में उद्धव ठाकरे, नीत, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये तीन दलीय गठबंधन बना था और इसकी सरकार जून 2022 तक रही। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष खान ने कहा कि तीनों गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी जो राज्य की सभी 48 लोकसभाओं की समीक्षा करेगी और एक फार्मूला सुझाएगी जिसे अंतिम रूप तीनों दलों का नेतृत्व देगा। नसीम खान ने आगे कहा कि सीट बंटवारा चुनाव में जीत की क्षमता के आधार पर किया जाएगा और ऐसा कोई मानदंड नहीं रहेगा कि मौजूदा सांसद जिस पार्टी का है अगली बार भी उसी दल को उम्मीदवारी मिलेगी। इससे पहले आज दिन में शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने कहा था कि अविभाजित शिवसेना ने पिछले आम चुनाव में महाराष्ट्र में 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ये सीटें अगले चुनाव में उनकी पार्टी के पास रहेंगी। इस बारे में खान ने कहा कि शिवसेना ने 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीती थी और तब उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था, इसीलिए उस सीट पर फिर से उसी दल को उम्मीदवारी मिलना आवश्यक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 15 मई को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार द्वारा बुलाई गई एमबीए की बैठक में भी यही तय हुआ है कि जिसमें उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। खान ने कहा कि एमबीए के नेता इस बात पर रजामंद हुए हैं कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया सुगम और निर्विवाद रहेगी। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई महीने में होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल के अक्टूबर और नवम्बर में होने हैं। इससे पहले एमबीए सदस्य पार्टी एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पवार ने कहा कि अब समय आ गया है कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगी सीटों के बंटवारे पर बात करना शुरू कर दें। सदारंभ बोलते हुए पवार ने कहा कि मुंबई पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे और नाना पटोले के साथ अन्य दलों से इस बारे में बातचीत भी करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव अगले साल मई में है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले साल नवंबर में हो सकते हैं। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि आगामी साल में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देना फिलहाल अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना द्वारा जीती गई 19 सीटें अभी भी उनकी पार्टी के पास ही हैं। हालांकि 13 एमपी सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कई दल हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनके लिए जटिल होता मालूम दे रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एमवीए के सभी दल बार्गेनिंग पर निगाहें भी बनाए हुए हैं। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शिवसेना यूपीटी से अधिक सीटें चाहती है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीटों के बंटवारों को लेकर के कौन सा फॉर्मूला तय होगा जिसमें तीनों ही घटक दल रजामंद होंगे। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले एक अमर